हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम फाइनल जॉइनिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको जो है जानकारी दिया था कि आपकी जो जॉइनिंग है मे बी अक्टूबर मंथ में हो सकती है, तो यहाँ पर वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था। सबसे पहले मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने हमें ये जानकारी ईमेल के माध्यम से दिया और हमें जानकारी व्हाट्सएप में भी सेंड किया। उनका नाम है मिस्टर प्रशांत राठौड़ और एक और अजहर भाई करके हैं, उन्होंने भी जानकारी हमें दिया था, तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। अगर आप भी इसी प्रकार की जानकारी देकर जो है किसी भी कैंडिडेट की यानी सभी कैंडिडेट्स की मदद करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ग्रुप लिंक में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारी ईमेल आईडी mkvspecialtech@gmail.com मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहां पर आप नोट कर सकते हैं। अगर आप भेजते हैं तो आपको धन्यवाद अदा किया जाएगा। इसके अलावा आप जो है सभी कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए माध्यम बन सकते हैं। तो डियर गाइस, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर आज की इस वीडियो में फाइनल जॉइनिंग के अपडेट के बारे में ही बात करेंगे और यह अपडेट आ चुका है। तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, किस डेट में जाना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के जो कैंडिडेट्स 3591 पदों के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिल किए हुए थे, यानी मई में जो फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसी साल इसी वर्ष में जो अप्रेंटिसशिप के आवेदन भरे गए थे उसका यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग अपडेट आ चुका है। और अदर डिवीज़न की भी यहाँ पर मैं अपडेट्स की बात करूँगा, उन सारी डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूँगा। डियर गाइज, अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग फॉर ऐप अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है ना, तो यह जो अप्रेंटिस के लिए ज्वाइनिंग की अपडेट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमने सिक्योरिटी पर्पज़ से ईमेल आईडी को हाइड किया हुआ है ना। यहाँ पर डियर कैंडिडेट इन कनेक्शन टू आरआरसी नोटिफिकेशन आरआरसी वेस्टर्न रेलवे 12021 डेटेड 18 मई 2021, यानी नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यू आर सेलेक्टेड फॉर अप्रेंटिस। यहाँ पर जो है फाइनली देखिए, जब रिक्रूटमेंट निकाला गया था तो फॉर्म फिल किए, फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया और अब यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए फाइनल आपका सिलेक्शन कर दिया गया है। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर अप्रेंटिस इन अहमदाबाद डिवीज़न, यानी यह अपडेट अहमदाबाद डिवीज़न की है। और अदर अपडेट्स के भी बारे में बात करेंगे, कहाँ कौन से डिवीज़न में क्या प्रक्रिया चल रही है ना। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर आप अभी वीडियो स्किप करते हैं तो बहुत सारी जानकारी आप जो है लेने से बच जाते हैं, यानी बहुत सारी जानकारी का आपको अभाव हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि यू आर अटेंडिंग दिस ऑफिस डेटेड 13 अक्टूबर 2021। कुछ कैंडिडेट्स को 13 अक्टूबर को बुलाया गया है जबकि कुछ कैंडिडेट्स को अदर डेट में भी बुलाया गया है, वो मैं आपको जो है ऑफिशियल अपडेट के साथ बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुबह 10 बजे 13 अक्टूबर 2021 को अहमदाबाद डिवीज़न में जिन कैंडिडेट्स को मेल आया हुआ है उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है और बोला गया है कि डिवीज़नल रेलवे मैनेजर ऑफिस अहमदाबाद, इस एड्रेस पर आपको जाना होगा और किन किन डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद वन सेट, यानी आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी, आपका ITI का मार्कशीट हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, जितने भी आपके अभी तक आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट ले गए थे वे सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ओरिजिनल ले जाने हैं, विद वन सेट जेरोक्स भी ले जाना है ना। तो फिर से आपके डॉक्यूमेंट की जेरोक्स आपको ले जानी होगी। इसके अलावा बात करेंगे बैंक पासबुक की, यानी यहाँ पर बैंक पासबुक भी आपको ले जानी होगी। बैंक पासबुक आपको इसलिए देना होगा कि आप यहाँ पर आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप अगर यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको स्टाइफंड के तौर पर कुछ पैसे भी मिलेंगे, यानी अगर आप 1 ईयर ट्रेड के कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 7,700 रुपये अप्रोक्सीमेट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट अदर या इलेक्ट्रीसियन 2 ईयर वाले ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर समथिंग 8,050 रुपये जो है स्टाइफंड के रूप में मिलेगा, थोड़ा जो है समथिंग
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 8,000-9,000 ऐसा है ना। तो अभी जो रिवाइज नहीं हुआ है, अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो वो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि वन कैंसिल चेक भी आपको ले जाना है, पैन कार्ड भी आपको ले जाना होगा और आइडेंटिटी बॉन्ड ऑफ 300 रुपये के स्टाम्प पेपर में। तो यहाँ पर इस इंडेमिनिटी बॉन्ड का जो PDF है वो आपको जो है नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जिन कैंडिडेट्स को मेल आया है उन्हीं कैंडिडेट्स को ये ले जाना है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ही मेल आया है। तो वे PDF को डाउनलोड कर लेवें और उस PDF को भरकर जो है उपयुक्त जगह पर सही जानकारी भरकर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड भी आपको ले जाना होगा और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST और OBC करेंट ईयर, यानी अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC नॉन क्रिमिलियर के कैंडिडेट हैं, यानी OBC SC और ST वाले सभी कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई देने का ज़रूर ट्राई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर अदर डिटेल की बात करें तो यहाँ पर सेम नोटिस यहाँ पर आया हुआ है, 12 अक्टूबर को ही कैंडिडेट्स को सुबह 10 बजे बुलाया गया है। ये पूरा मेल सेम है बट यहाँ पर डेट को चेंज कर दिया गया है। तो किन किन कैंडिडेट्स को ये मेल आया हुआ है, ये अहमदाबाद डिवीज़न की बात की जा रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। माय डियर गाइस, अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की लगातार ITI से जुड़ी हर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट्स हम लगातार अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ व्यक्तिगत संबंध भी जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट सेक्शन के माध्यम से रखते हैं। अगर आप जो है किसी भी प्रकार की जानकारी हमें भेजना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हो, ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो या किसी प्रकार की मॉडिफाई करेक्शन या कैसी भी जानकारी अगर आप हमें भेजना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हो तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल ID नोट कर सकते हैं, हमारी ईमेल ID है mkvspecialtech@gmail.com, यानी चैनल के नाम पर ही आपको @gmail.com लगा देना है जिससे हमारी ईमेल ID तैयार हो जाएगी और आप उस पर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। डियर गाइस, अगर आप ITI से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं, आपकी प्रिपरेशन को स्कोर को इम्प्रूव कराने में हम आपकी पूरी मदद करते हैं। यानी आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, बस आपको सारी सुविधाएं फ्री में मिलती रहेंगी, सारी जानकारी फ्री में मिलती रहेंगी। तो आप जो है अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना, ताकि आपका ही इसमें बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।